প্রশাসনের ব্যবস্থা আছে সব ঠিক আছে যে আসিছি কন্যা इसलिए हो रहा है कि जो हमारा हेलीपैड है उसको 100 मीटर का दूरी में कोई भी स्ट्रक्चर करा नहीं करना है. दिस इज प्रोहिबिटेड एरिया. तो 2012 में इनको प्रोहिबिटेड ऑर्डर डिक्लेयर करके नोटिफाइड किया गया है. ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ नाहरलगन हेलीपैड का अभी आप देख रहा है मेरा पीछे में जो बिल्डिंग है वो 100 मीटर के दूरी में ही है. तो पिछले 2014 में भी वहाँ पे कुछ बिल्डिंग खड़ा किया था उसको 2014 में इसको इविक्शन किया गया था. तो उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आ गया है तो उसको जब पता चला तो हमने 30 जून को अंडर 133 CIPC के तहत उन लोगों को शो कॉज नोटिस दिया और उन लोगों को इसको रिमूव करने के कहा और बाय 15 हमने ऑर्डर को आज एब्सोल्यूट किया. दे कुड नॉट सफिश देयर क्लेम टू स्टे हियर कंस्ट्रक्ट एनी स्ट्रक्चर हियर. सो अब आगे भी जो और भी 5-6-7 स्ट्रक्चर है उनको भी अभी तोड़ा जाएगा. कारण ये है कि ये जब एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट से जब टेकअप करता है या लैंड करता है खास करके जो टेकअप करता है सपोज कोई इंजिन जो है एक इंजन जो खराब हो जाने से दूसरा इंजन को जो स्टार्ट करता है वो पार्टिकल ड्रॉप करता है और ये 100 मीटर के अंदर अगर हम इसको एरिया को क्लियर रखने से जो पायलट जो है वहाँ में सेफली लैंड करके या सेफली आदमी को इवैक्यूएट कर सकता है और इस एरिया में एनीथिंग कैन बी हैपन. तो उसके लिए ये जगह को खाली रखना जरूरी है. इसलिए आज ये इविक्शन ड्राइव चल रहा है. सर सिर्फ ये बिल्डिंग होगा या जो आसपास में जो नहीं आगे में जितना भी बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है सभी का अभी इविक्शन किया जाएगा और पीछे साइड का जो बिल्डिंग है वो डेड एंड हो गया. हमारा जो हैंगर है और जितना इस्टेब्लिशमेंट है उस साइड में है देट इज़ अ डेड एंड. सो उस साइड में नहीं उसको छोड़ के जहाँ से लैंडिंग करने का है टेकऑफ करेगा वो डायरेक्शन में जितना भी स्ट्रक्चर है उसको रिमूव किया जाएगा. सर जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स इंक्रोचमेंट हुआ है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्वार्टर का जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसके लिए देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड डायरेक्टर हाउसिंग एंड देयर इज सो मेनी डिपार्टमेंट्स हु आर द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ दैट क्वार्टर्स.